गेंदबाजों के धमाल और मैक्सवेल के कमाल से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 7 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को करारी शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल का स्कोर 200 के पार चला जाएगा। इवन लुइस ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की, उन्होंने 37 गेंदों पर 58 रनों की पारी खेली जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। जायसवाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 22 गेंदों पर 31 रन बनाए। एवन लुइस और जायसवाल के अलावा संजू सैमसंग ने 15 गेंदों पर 19 रन बनाए। लुइस और जायसवाल ने 8 ओवर में 77 रनों की पार्टनरशिप की। उसके बाद में 11वें ओवर में जब लुइस का विकेट गिरा तो लगातार विकेट गिरते रहे और राजस्थान रॉयल्स बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से एक बार फिर से हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 4 ओवरों में 34 रन देकर 3 सफलताएं हासिल की और दोनों स्पिनरों ने शानदार योगदान दिया। चहल ने जहां 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और वहीं शाहबाज अहमद ने भी 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। स्कोर का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत शानदार रही और 5 ओवर में 48 रन पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का पहला विकेट देवदत्त पडिक्कल के तौर पर गिरा। उन्होंने 17 गेंदों पर 22 रन बनाए। कप्तान कोहली रनआउट हो गए, उन्होंने 20 गेंदों पर 25 रन बनाए। श्रीकर भरत ने शानदार बल्लेबाजी की, उन्होंने 35 गेंदों पर 44 रनों की पारी खेली और टीम की जीत के हीरो रहे मैक्सवेल, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, उन्होंने 30 गेंदों पर 50 रन की अहम पारी खेली। आखिर की बॉल पर डिविलियर्स ने चौका लगाते हुए टीम को शानदार जीत दिला दी। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर है और उसके अब 11 मुकाबलों में 14 पॉइंट हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स का प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल लग रहा है। आरसीबी की यह जीत अब निश्चित कर चुकी है कि 3 टीमें चेन्नई, दिल्ली और आरसीबी, ये 3 टीमें होंगी जो कि क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ के लिए और 4थी टीमों में काफ़ी बड़ी टक्कर हो रही है।